वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे है, हम लोग आज निकल रहे हैं एक टेंपल की तरफ, घाटी सुब्रमण्यम। घाटी इसलिए कि वो घाटी से होते हुए जाती है, पहाड़ों का रास्ता, अच्छी हसीन ग्रीन वादियां पूरी देखने को मिलती है, तो उसी रास्ते से जाना है। तो आपको भी ले चलेंगे और आपको भी दिखाते हुए चलेंगे कि वो टेम्पल कैसा है। और मेरे बेटे ने चश्मा गिरा दिया, तो वहाँ पे भी दिखाएंगे कि वो टेम्पल कैसा है और पूरे रास्ते का व्यू भी आपको कराएंगे। तो निकलते हैं फिर यहाँ से। तो नाश्ता हो गया डन और हमने अब अपने लिए मंगाई है कॉफी। यहाँ से कॉफी पी के जल्दी जल्दी हम लोग निकलेंगे। और क्योंकि कल रात को बहुत रिच डिनर हो गया था, इसलिए हमने नाश्ता इडली किया है, डिप इडली, इडली सांभर चटनी। तो क्या हुआ, किसका जूता पहना है? कॉफी पीते हैं, यहाँ कॉफी पी मैं खत्म करती हूँ। कॉफी खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ से जल्दी निकलेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट अब रास्ते का व्यू ही थोड़ा बहुत दिखाऊंगी और डायरेक्ट टेंपल दर्शन कराऊंगी। तो फिलहाल मैं कॉफी पी लूँ। तो हम लोग एंट्री ले चुके हैं, यही गेट है घाटी सुब्रमण्यम का, टेम्पल के रास्ते। तो रास्ते का गेट है, अभी पहुंचे नहीं है, तो ये अभी हम लोग एंट्री ले चुके हैं। और हम लोग अभी एंट्री ले चुके हैं, अभी थोड़ी दूर है। तो ये देखिए, ये सो चुका है गाड़ी में ही। और तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे रास्ते का व्यू। काली दुर्गा स्टेशन है, गाड़ी स्लो करो। तो घाटियां शुरू हो गई है और आपको पीछे एक बैकग्राउंड व्यू भी नजर आ रहा होगा। और ये देखिए पूरी घाटियां ही है। और इसी रास्ते से हम लोगों को आप देखिए कैसे एस बिल्कुल सांप जैसे, क्या बोलते हैं इसको, पिन नहीं, ये तो नॉर्मल सा बेंड है। हाँ, ये पहाड़ों का रास्ता है, घाटी का रास्ता है, घाटियों का रास्ता है, पिन पॉइंट बोलते हैं ना इसको। नहीं, हेयर पिन बेंड नहीं है, ये दूसरा है, पता नहीं क्या है। नॉर्मल रास्ते हैं, बेंड है बिल्कुल, ऐसे 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 बना हुआ है। और देखिए व्यू, देखिए बैक पीछे दिखाओ, पीछे इधर आना, घाटी दिखाओ पूरा। और देखिए बाहर उधर का व्यू कितना अच्छा है। और ये देखिए ऐसा, यही रास्ते आपको तो मालूम ही होंगे पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इन्हीं रास्तों से हमको अपना आगे का सफर तय करना है।
और हमने अपनी गाड़ी को अभी वहाँ पे स्टॉप कर रखा है। और ये रिजॉर्ट का रास्ता है, देखिए ये प्रकृति रिजॉर्ट है, ये बहुत ही अच्छा शानदार रिजॉर्ट है यहाँ पे, ज्यादा दूर भी नहीं है। और मतलब घर से थोड़ी दूर पे निकलो तो मौसम ऐसा हो गया है। तो हम लोग सिटी से जैसे ही बाहर निकले, इतने ट्रैफिक में फंसे थे हम लोग, इतनी धूप इतनी गर्मी थी, बट यहाँ आते ही मौसम एकदम से बदल गया, एकदम मतलब छांव हो गया है, ठंडा मतलब ठंड वाली फील हो रही है यहाँ पे, अच्छी 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 वाली, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है यहाँ पे और मज़ा भी आ रहा है। संडे का मतलब मौसम भी है और कोई टेंशन नहीं, कल भी छुट्टी है तो आज संडे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। आपको भी ले चलते हैं आगे धीरे धीरे, ऐसे ही आपको भी दिखाते रहेंगे। और अभी रास्ते में ही एक छोटा सा वॉटरफॉल पड़ा है तो सोच रही हूँ आपको भी दिखा दूँ। और फिलहाल तो आप, मैं जहाँ आई हूँ, अभी हम लोग टेम्पल नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों ने गाड़ी कहीं रोक दी है तो आप पीछे का व्यू देखिए, लेक है ना ये, ये पीछे लेक है ना, देखिए पीछे लेक कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। आगे आगे इधर। और बहुत पतला रास्ता यार, आपको देखिए, पता नहीं आपको आवाज सुनाई दे रही होगी या नहीं, मैं बट यहाँ से रास्ता पतला है, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं आगे नहीं जा सकती। तो ये देखिए, वाओ, बड़ा वाटरफॉल है। और वहाँ नीचे आपको काफी लोग भी दिख रहे होंगे, देखिए वाओ, बहुत तुम बताओ बाबू को लेके। हाँ नहीं जा रहे। तो ये पतला रास्ता है और मुझे जाने से बड़ा डर लग रहा है। और आप देखिए, और ये उसी लेक का जो पानी है ना, तो ये देखिए, ये जो लेक मैं आपको दिखा रही थी, और वहाँ काफी लोग भी आपको दिख रहे होंगे नीचे, ये ले, ये वाटरफॉल का ही जो पानी है वो नीचे की तरफ जा रहा है और पीछे पूरा पहाड़ और हरी भरी वादियां हैं। वाओ, हाँ देखा तो है, चिकमंगलूर में देखा है, केरला में देखा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। काफी बड़ा है और पता नहीं आपको आवाज सुनाई दे रही होगी या नहीं, घर में पानी। तो बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, एकदम मस्त वाली हवा। हम लोग ऐसे ही आ गए थे क्योंकि यहाँ एक वाटरफॉल था, वो थोड़ा सा रोड खराब है पर अच्छा है, रास्ता बहुत अच्छा है। हाँ थोड़ा सा पगडंडी टाइप रोड है तो हम लोग दोनों को तो अलग बात थी, बट बच्चा है तो मैं वैसा रिस्क नहीं लेना चाहती। और यहाँ पे आपको बंदर मामा पहन पैजामा भी दिख रहे होंगे। अब पीछे लेक भी बड़ा खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल ऑसम व्यू है यहाँ का, एकदम सीनिक व्यू। तो मैं फिलहाल थोड़ी देर यहीं रुकूंगी, ये व्यू को थोड़ी देर एंजॉय करूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी टेंपल के लिए, क्योंकि ये व्यू मैं मिस नहीं करना चाहती यहाँ पे। और आपको वाटरफॉल तो दिखाया, पता नहीं आपको आवाज क्लियर सुनाई दिया या नहीं, बट बहुत अच्छा है। मैं काफी क्लोज तो नहीं जा सकी क्योंकि मुझे डर लग रहा था थोड़ा, तो मैं दूर से ही आपको दिखाने की कोशिश की, जितना पॉसिबल था मेरे लिए उतना मैंने दिखाया आपको। तो थोड़ी देर मैं यहाँ रुकूंगी फिर आगे बढ़ूंगी।
पुचू टेंशन होती है ना तो हाथ पकड़ लेता है, पुचू भी पकड़ लेता है। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये जुल्फों वाला बाल जुल्फीकार है, जुल्फीकार रास्ता छोटा सा अंदर गया पगडंडी। हाँ, और यही रास्ता जो है वो आप जो वाटरफॉल के नीचे जहाँ लोग आपको दिख रहे थे वो यही पगडंडी गई हुई है, जहाँ मैं फिलहाल अभी जाना अवॉइड कर रही हूँ। हम लोग दो लोग चले जाते थे बच्चे के। हाँ तो बड़े आगे माम मा, बाबू पूछू क्या अच्छा लग रहा है। पापा 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 से प्यार तो आज संडे है बोल के काफी गाड़ियां रुकी हुई हैं यहाँ पे। क्या आज संडे है ना तो इधर बहुत लोग आए हुए हैं। तो गाड़ी खड़ी है कि रुकी पड़ी है? सब रुकी हुई है। अगस्त से पहले हाँ, 15 अगस्त से पहले यहाँ लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। अंदर तक गाड़ी अंदर तो खुद गया है, इसका मतलब वो जो पार्किंग थी वो रोड खराब कर दी इन लोगों ने। काफी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे, देखिए लोग भी इतने सारे आए हुए हैं। आज संडे भी है तो टेंपल दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो आगे गाड़ी पार्क कर दी है अभी, और पीछे देखिए कितनी लाइन से गाड़ियां लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं वही मेन टेंपल है, सीढ़ियों से होते हुए हम लोगों को जाना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे टेंपल की तरफ में, और देखते हैं कि रिकॉर्डिंग दे पाऊंगी। बहुत भीड़ है आज, बहुत 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 भीड़ है, और अंदर पार्किंग का छोड़ो बाहर भी पूरे जो रोड है पूरा पार्क किया हुआ है गाड़ी लाइन से। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो चलते हैं। आ रहे हैं आप जैसे देख रहे हो, देखो ट्रेन जा रही है। आओ इधर। और यहाँ सिर्फ नाग देवता का शिला है, यहाँ पूजा होती है। और ये दूर दूर तक सिर्फ वही है, नाग देवता की शिला बनी हुई है, यहाँ लोग पूजा करते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये जगह। यहाँ अभी हम आए हैं, यहाँ पे काफी लोग अपना पूजा का वो खोल रहे हैं, और यहाँ देखिए हर जगह पूजा हो रखी है, पूजा हो रही है यहाँ पे। वहां भी काफी लोग पूजा कर रहे हैं, देखिए आंटी भी यहाँ पूजा कर रही हैं। तो ये टेम्पल है, यहाँ सिर्फ नाग देवी देवता का पूजा होता है इस जगह पे। विष्णु जी उनके नाग देवता। और यहाँ लोगों की श्रद्धा काफी है, बहुत मान्यता भी है यहाँ के मंदिर की। भगवान विष्णु की पूजा, नाग देवता की पूजा।
आओ इधर। और यहाँ देखिए इस तरीके से वो बने हुए हैं ट्रैक, और यहाँ पानी भी है ताकि आपके पैर भी अच्छे से धुल सके। यहाँ दूर दूर तक, उधर जाओ, पीछे पूरी पहाड़ों की वादियां हैं। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हजारों की संख्या में इस तरह से विष्णु जी और नाग देवी देवता का शिला बना हुआ है यहाँ पे, और लोगों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी यहाँ। आज संडे भी है तो बहुत भीड़ है। और यहाँ भी मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी पूजा हो रही है। तो इस तरीके से देखिए ये कई जगह इस तरह से पूरा पूजा होता है, लास्ट तक जो है आप देख रहे हैं इस तरह शिला बनी हुई है। तो यहाँ इस मंदिर घाटी सुब्रमण्यम की बहुत मान्यता है यहाँ पे, और पीछे भी आपको दिख रहा होगा हजारों की संख्या में यहाँ पे मतलब इस तरीके से शिलाएं बनी हुई हैं यहाँ पे, और पूजा बहुत ही मतलब लोग जो भी मन्नत मांगते हैं या फिर जिनको हर वीकेंड आना होता है वो यहाँ आके बड़ी श्रद्धा से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी, बहुत शांति प्रिय जगह है यहाँ। संडे है, बहुत भीड़ है, लेकिन पीछे की वादियां भी आपको नजर आ रही होंगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस तरह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये दीदी को मैंने बोला है कि मुझे भी कुमकुम लगा दें। थैंक यू। तो ये तो आपको दिख गया। तो हमने फूल और पूरा तुलसी भी ले लिया है पूजा चढ़ाने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे पुलिस वालों का वो भी लगा हुआ है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, मॉनिटर कर सके ये लोग। तो हमारे पीछे देखिए कितनी भीड़ है लोगों की। तो जैसे जैसे चलूंगी आपको भी दिखाती रहूंगी। यहाँ भी हर घर तिरंगा, मंदिर के ऊपर भी अपने देश का झंडा लहरा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों में पूजा अर्चना के साथ साथ, श्रद्धा के साथ साथ देश के लिए भी वो भावना है। तो ये मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से भी लोग जाते हैं। ये भी बहुत लोग भीड़ है यहाँ पे। और काफी भीड़ है तो मैं बाहर से ही आपको दिखा देती हूँ मंदिर। ये अंदर का सारा कंस्ट्रक्शन है। मुझे नहीं लगता है कि इतने लकी हैं हम लोग कि अंदर जा पाए। बहुत भीड़ है यहाँ पे, लोगों की लाइन लग रखी है।
और यहाँ भी इतना ठसम ठास भीड़ है। तो मेरे पीछे देखिए कितना भीड़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं मेन टेम्पल तो दर्शन कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो रखी है। और यहाँ पार्किंग देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पुलिस वालों की पेट्रोलिंग भी चल रही है। तो मेरे हस्बैंड पूजा यहाँ चढ़ाएंगे, मैं बच्चे को पकड़ लूंगी, और यहाँ विष्णु जी नागशेष नाग का यहाँ पे छोटा सा बना हुआ जहाँ लोग यहाँ भी पूजा चढ़ाते हैं, जो अंदर दर्शन नहीं कर पाते वो यहाँ भी माला अर्पित कर लेते हैं। ये देखिए और ये मैंने इतनी बड़ी, यहाँ तुलसी का बहुत चलन है तुलसी चढ़ाने का। अरे वो YouTube बना रहे हैं लोग वीडियो। हाँ सब्सक्राइब करें। ये माला भी ले रखी है आपने, वो तो फेंकना है आंटी। फेंकना कुछ चढ़ाएगा? हाँ देखो देखो फेंक रहा है, देखो 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 फेंक रहे इधर एक और है। हाँ वो फेंको फेंको फेंको, अर्पित कर रही हो ना तुम तो। हाँ चलो तो यहाँ आपने देख लिया कि लोग खुद से ही माला और तुलसी इस तरीके से डालते हैं, जैसा कि आपने भी देखा होगा। यहाँ लोग काफी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो मैंने माला तो अर्पित कर दी है, अब मैं मुझे नहीं लगता है कि मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो रखी है अंदर। बाहर दिया करो अगर नहीं हो पा रहा तो क्या करें, शेष मास तो दे दो। नहीं अंदर मत जाओ, अंदर बहुत भीड़ है। बच्चे के लिए अभी सही नहीं है, अंदर बहुत भीड़ है और बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत अंदर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं हो सके तो किसी वीकडे पे आके आपको शायद अंदर का व्यू करा पाऊँ। आज तो मुश्किल लग रहा है मुझे, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा दे रही हूँ। कम से कम हमने माला चढ़ा दिया, उसके लिए तसल्ली हो गई हम लोगों को। तो दिख रहा होगा मंदिर के गेट पे ही कितनी भीड़ लगी हुई है कि अंदर एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। दो तीन घंटे लगेगा लाइन में। हाँ बच्चे का भी बहुत भीड़ है। उधर से तो जा सकते हैं ना, उधर हाँ वैसे देख सकती ऊपर से। और ये पेरी दूर तक लाइन है। काफी मान्यता वाला मंदिर है ये, और यहाँ हर तरफ सिर्फ पूजा की ही दुकान है, फूल मालाओं की। लोग यहाँ बैठ के अपना प्रसाद एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ
तो यहाँ प्रसाद मिल रहा है। यहाँ हर कोई बैठ के, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, सब लोग बैठ के अपना प्रसाद एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए लाइन, मैं पीछे देखिए यहाँ भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैं अंदर तो नहीं जा रही, बट हाँ जहाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मैं वो लाइन में लगी हुई हूँ। तो आगे देखिए ये प्रसाद लेने का लाइन लगा हुआ है, मैं तो मैं यहाँ पे ही हूँ। और यहाँ देखिए ये अंदर जाने का लाइन है, तो मैं अभी अंदर नहीं जा रही, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। इतना पेशेंस नहीं है कि इतना रुक सकूं मैं इतनी देर, बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे ख्याल से रात भी हो सकती है। तो आज जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं किसी और दिन आके वीकडे पे आपको ये मंदिर का अंदर का दर्शन कराऊंगी। बाहर से तो मैंने आपको जितना पॉसिबल था वो मैंने दिखा दिया। ये जल्दी से प्रसाद मिल गए मुझे और मैं ये प्रसाद लेकर चली आई। तो बहुत ही सात्विक होता है ये प्रसाद भगवान को अर्पित करके। फिर बाकी यहाँ जितने लोग आए हैं आप देखिए, सब बैठ के अपना प्रसाद एंजॉय कर रहे हैं, कोई नीचे बैठा है, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक से हैं और सब एक जैसा प्रसाद खा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ यही होती है। और बहुत भीड़ है यहाँ पे, लोग अपना प्रसाद एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे भी दोपहर के एक बज चुके हैं, तो मैं भी अब अपना प्रसाद खा लूँ, और मेरा बच्चा भी यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग हो सके तो यहाँ से अब निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं और काफी लेट हो चुकी है। तो फिलहाल प्रसाद एंजॉय करते हैं। तो प्रसाद खा लिया हमने, यू इतना गर्म था कि खाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। और बहुत अच्छा साफ सुथरा जगह है, यहाँ हाथ धोने के लिए भी बना हुआ है कि आप खाओ यहाँ पे हाथ धो, और उसके बाद से यहाँ पीने के पानी का भी ये है, ग्लास वगैरह रखे हुए हैं, सब कुछ बहुत साफ सुथरे तरीके से है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और तो अंदर का व्यू तो मैं नहीं करा पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो बहुत मुश्किल था अंदर जाना। तो मंदिर के मेन गेट तो आप देख ही रहे होंगे, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये छोटा सा मेले जैसा है और ज्यादातर तो पूजा का ही दुकान है, और कुछ बाकी चीजें भी है एक्सेसरीज वगैरह की, जिसको खरीदना हो अपने लिए, चूड़ी बैंगल जो भी है, तो वो सब भी है। बाजार भी लगे हुए हैं साथ में। तो अब निकलते हैं हम यहाँ से, फिलहाल जहाँ पे अपना चप्पल जूता खोल के रखा है। ये देखिए यहाँ बाजार भी लगे हुए हैं।